अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है मज़ेदार सी बीफ निहारी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बिल्कुल कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ और झटपट से बनने वाली है रेसिपी है। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते हो, जल्दी से रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दो और लाइक और शेयर करना ना भूलना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छा, तो बीफ निहारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप जितना ऑयल ले लिया था और इसमें, और यहाँ पर जो है ना 1.5 किलो जितना मेरे पास ये निहारी का गोश्त मौजूद है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब जो है ना यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट एक साथ है तो आप 4 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। इसको जो है ना अच्छे से हमने भूनना है, इसकी भुनाई करनी है ताकि इसकी जितनी भी जो पानी जितना भी निकलेगा वो सारा खुश्क हो जाए और जो है ना अच्छे से जो है ना ये पक जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना पानी खुश कर रही हूँ, तो आप ये देखें इस तरीके से बबल्स आ रहे हैं। बबल्स आने का मतलब ये है कि जितना भी ये बीफ का पानी था ये सारा खुश्क हो जाएगा। ये पानी खुश्क होना बहुत ज़रूरी है, वरना जो है ना बीफ के अंदर, इस गोश्त के अंदर ना स्मेल रह जाएगी और आपके खाने में स्मेल आएगी। तो अब यहाँ पर देखने कि इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो गया है, ये वो पॉइंट है कि यहाँ पर जो है वो गोश्त की अच्छी से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें ना मसाला डालेंगे। मैंने ना शान का निहारी मसाला जो है ना वो यूज़ किया है, बहुत मज़े का होता है ये। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो में ना 5 टेबल स्पून निहारी मसाला ऐड किया है। एकदम से सारा पैकेट मत ऐड कर दीजिएगा, वरना जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा मसाला। तो आप जो है ना अपने टेस्ट के हिसाब से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस तरीके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी बस मसाले के साथ भी थोड़ा सा 3 से 4 मिनट्स हम भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद अब यहाँ पर आप देख लेंगे मैं पानी ऐड कर रही हूँ। पानी जो है ना इतना ऐड करना है, मैं कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने पानी ऐड करके इसको मैं ढक्कन लगा रही हूँ। अगर आप नॉर्मल पतीली में बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है, इसी तरीके से पानी डालकर पकने में टाइम लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालना ज़रूरी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो है ना कुकर का ढक्कन लगा दिया, उसको तेज़ फ्लेम पे मैं पकना छोड़ दूंगी फॉर अराउंड 35 मिनट्स तक। और 35 मिनट्स के बाद जो है ना ये इस तरीके से हमारा रेडी है। तो अब यहाँ पर जो है ना मैंने 4 सर्विंग स्पून्स जिससे हम सालन निकालते हैं ना वो सर्विंग स्पून हम मैंने आटे का ले लिया और उसको इस तरीके से पानी के साथ ना इसको डिसॉल्व कर रही हूँ ताकि अच्छे से जो है ना इसको विस्क करेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और यहाँ पर जो है ना जो सालन है यहाँ पर ही हमारा रेडी है, बीफ गल चुका है। तो फ्लेम जो है ना वो मैं मीडियम हाई पर रखूँगी और मीडियम हाई पर रखते हुए जो मैंने आटे को डिसॉल्व किया था पानी में इसको मैं ऐड करूँगी इसमें। और कॉन्स्टेंटली आपने चलाना है ताकि जो है वो कोई भी लम्स ना रह जाए, वरना जो है ना आटा इसमें जाकर ना गुठलियाँ बनाना शुरू कर देगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपने कॉन्स्टेंटली जो है ना चलाते रहना है सालन को, क्योंकि जो आटे का कुकिंग टाइम होता है वो भी 8 से 10 मिनट होता है। तो इस तरीके से ना कॉन्स्टेंटली चलाना है। और अभी जो है ना यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। अब मैं अगर शान का मसाला डालती ना तो मसाला तेज़ हो जाता और मिर्च ज़्यादा हो जाती, तो इसलिए मैं यहाँ पर नमक ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया मैंने। नमक मसाला हर चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये रेशियो परफेक्ट था तो मैंने इस तरीके से जो है ना कॉन्स्टेंटली चला रही हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। बबल्स का साइन यही है कि अब जो है ना हमारा जो निहारी है वो अच्छे से पकने लगी है। अभी भी इसको जो है ना थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। अच्छा, तो अब यहाँ पर जो है ना सालन एक तरफ पक रहा था तो मैंने मीडियम लो पे रख दिया था। यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने ऑयल ले लिया था, लाइक अराउंड 1/2 कप जितना ऑयल ले लिया था और 1 मीडियम साइज़ की ये प्याज ले ली थी। इसको इस तरीके से ब्राउन होने पर जो है ना अब मैं इसको ऐड कर दूंगी सालन के अंदर और इसको मैं चला लूँगी, ढाक दूंगी इसको मैं थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, ताकि जो है ना ये मज़ीद अच्छे से कुक हो जाए। और इस तरह आप देख रहे इतने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको ढककर जो है ना आप रख देंगे थोड़ी देर के बाद। और आप यहाँ पर देखें हमारी मज़ेदार सी ये निहारी रेडी है। आप इसका टेस्ट आगे पीछे कर सकते हो। मसाला जैसे मैंने आपको पहले बताया था मुझे परफेक्ट लगा था और इसकी ग्रेवी क्योंकि निहारी की पतली होती है तो मैंने पतली रखी। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा करना है तो आप आटे की क्वान्टिटी और बढ़ा दीजिएगा। तो बस ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और उसको ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलना, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जो है ना इसको आप मज़ेदार से गर्म गर्म नान के साथ खाइए, इसको अदरक और नींबू और हरी मिर्च के साथ जो है ना उसको खाइए, बहुत मज़े का लगेगा इंशाल्लाह। और आई विल बैक विद अनदर रेसिपी सून, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।